वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। एसआई किस पद्धति का विस्तृत रूप है? एसआई किस पद्धति का विस्तृत रूप है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा होगा एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति का हमारा जो है विस्तृत रूप होता है। सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? सबसे पहले जो है सीजीएस पद्धति का प्रचलन कहाँ पर था, तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो FES पद्धति होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नापतौल की अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर? सेवरेस फ्रांस में। ये क्वेश्चन हर एग्जाम, चाहे आपका NDA हो गया, चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो गया, अन्य भी जो आपके एग्जाम होने वाले, चाहे CISF हो गया, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का क्लास है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का वो हमने उठा रखा है यहाँ से। कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। संहिता की एसआई इकाई क्या है? संहिता की एसआई इकाई क्या है? उसका जो हमारा करेक्ट होगा पॉइंट। ठीक है, पॉइज होगा हमारा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मिलीमीटर पूछा, किलोमीटर नहीं, एक सॉरी मीटर नहीं, एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो उसका जो हमारा होगा 10,00,000 मिलीमीटर। ठीक है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी? ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट होगा जॉन नेपियर 1614 में। एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक होता है? लंबाई का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, समुद्र की गहराई प्राय किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई हमेशा फैदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। केल्विन किस राशि की इकाई है? तो केल्विन किस राशि की इकाई है? परमताप की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोर को किस मात्रक में मापा जाता है? शोर को हमेशा डेसीबल में मापा जाता है। ठीक है, भारत में दशमलव प्रणाली मेट्रिक सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1957 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोन मीटर एंगस्ट्रॉम प्रकाश वर्ष को बढ़ते क्रम में लिखिए, मतलब देखिए बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, देखिए सबसे छोटी जो इकाई होती है प्रकाश वर्ष की वो क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद क्या होता है, सबसे छोटी होती है एंगस्ट्रॉम, उसके बाद माइक्रोन, उसके ऊपर फिर मीटर, फिर सबसे बड़ा होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार किस राशि का मात्रक होता है? बार किस राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है। यह क्वेश्चन देखते हैं। एक बार का दाब एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कितना बल लगाएगा? इसका जो करेक्ट होगा 10^5 न्यूटन। ठीक है, जो बल लगाता है वो 10^5 न्यूटन लगाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? तो इसका होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। ये बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ट किस राशि का मापन करने की इकाई है? देखिए अभी इसके पहले जो आया था वही है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हर्ट से किसकी मापन इकाई होती है? उसकी होती है क्या कहते हैं, आवृत्ति की। किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे त्वरण कहते हैं, जो कि एक ही दिशा में होता है। ठीक है, जो एक सदिश राशि है वो एक ही दिशा में होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आगे होगा पीछे, ऐसा नहीं, जब भी होगा तो एक ही दिशा में होगा। वस्तु किस गुण के कारण अपनी विरामावस्था या वेगा अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकता, उस गुण को कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं जड़त्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उसको जड़त्व बोलते हैं। शक्ति सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट? शक्ति सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट? पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल जो है द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है,
अगला देखते हैं, एक पास्कल कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है? एक न्यूटन मीटर कितने, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए मानव शरीर के तापमान की बात हो रही है, देखो अगर सेल्सियस में बात करते हैं तो 36 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, ठीक है। अगर फारेनहाइट में 98.5 होता है या 8 होता है, कभी कहीं दिया होता है ये फॉरन में। अगर केल्विन की बात करते हैं, कभी कभी केल्विन पूछा, 310 केल्विन, तीनों होता है, जहाँ पे जो पूछा होगा आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड का नाम क्या है? तो उसका होता है डिग्री सेल्सियस। सोने की शुद्धता का मात्रक होता है, उसका सक्रेट ऑप्शन होगा कैरेट। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। किस मात्रक से कार्य व ऊर्जा दोनों को व्यक्त किया जा सकता है? तो क्या होगा? जूल। जूल एक ऐसा मात्रक है जिससे जो है कार्य व ऊर्जा दोनों को व्यक्त किया जा सकता है। डाप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत की मोटाई का मात्रक होता है डाप्सन, ठीक है। द्रवों का आयतन मुख्यतः किस में मापा जाता है? द्रवों का आयतन मुख्यतः जो है लीटर में मापा जाता है, ठीक है। किसी ताप पर सेल्सियस या फारेनहाइट का मान बराबर होता है? देखो किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर होता है? अगर हम सेल्सियस को माइनस में ले लें 40 और फारेनहाइट को भी माइनस में 14 फारेनहाइट ले लें, तो इन दोनों का वैल्यू जो है जब इस टाइम पे इक्वल होती है, बराबर होती है। वह राशि जिसका परिमाण एवं दिशा निश्चित होती है सदिश राशि कहलाती है। उसके उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इंडिया और कोस्ट गार्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द्रव्यमान और वेग के कारण वस्तु में जो विशेष गुण आ जाते हैं उसे संवेग कहा जाता है, इसे कैसे मापते हैं? देखो यह पदार्थ के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यह क्वेश्चन देखते हैं, गतिमान वस्तु से कोई व्यक्ति बाहर गेंद फेंके तो उसके उसका पथ कैसा दिखेगा? और यदि बाहर खड़ा कोई व्यक्ति देखे तो उसको कैसा दिखेगा? पथ में बैठे व्यक्ति को सीधा सरल रेखीय होगा, जबकि बाहर खड़े व्यक्ति को जो है परवलयाकार दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिरता। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पता है सबको। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है और क्या बदलता रहता है? चाल नियत रहती है, वेग चाल नियत, वेग त्वरण और दिशा बदलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति सदैव सापेक्ष रिलेटिव होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ है? यह है कि इसका कथन है आइंस्टीन का, ठीक है। ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट आइंस्टीन ने दिया था। यह क्वेश्चन देखते हैं, क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु की अधिकतम दूरी तय करती है? यदि प्रारंभिक वेग समान रहे तो 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पर ये बदलती रहती है। प्रक्षेप पथ के प्रचतम बिंदु पर प्रक्षेप की दिशा क्षैतिज हो जाती है, क्यों? क्योंकि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। किसी वायुयान के कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? प्रक्षेप गति होगी। उसकी गति क्या होगी? प्रक्षेप गति। किसी बंदूक से छूटी गोली प्रति ऊर्ध्वाधर ना हो किस कैसी होगी? प्रक्षेप गति में होगी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। एक वृक्ष से आम स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है, दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? पहले की ऊर्ध्व गति होगी, जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगी, ठीक है। इसको आप कर लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समान द्रव्यमान के दो पिंड एक ही ऊंचाई से नीचे गिराए जाते हैं, परंतु पहले को स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिराया जाता है और दूसरे को 2 मीटर/सेकंड के प्रारंभिक वेग से दिशा में फेंका जाता है पृथ्वी पर, कौन पहले पहुंचेगा? यदि वायु आदि का प्रतिरोध नगण्य, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ये देखिए आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ कर है उनमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है गति के जड़त्व के कारण, क्या किस लिए झुक जाता है? गति के जड़त्व के कारण झुक जाता है। तेल से अंस्था भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर एक समान जड़त से जो जा रहा है, तेल की मुक्त पृष्ठ का आकार कैसा होगा? तेल के मुक्त पृष्ठ का पृष्ठ तनाव बल के कारण परबल के आकार का हो जाएगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस फिजिक्स की क्लास में बस इतना ही।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज़ ये चैनल को अपने दोस्तों में शेयर एवं लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।